मैं हर रोज तरक्की दे घट्टो घट चार तो पांच बटन दबना, ये थोड़े वाले बटन करके है। अज इस प्लांट नू चलाउण वाला बटन दबिया, फिर थल्ले पैकिंग करने वाला बटन दबिया, जिथे लस्सी ते दही पैकिंग होगी, दो बटन, एक स्कूल वाला ते एक सड़कां वाला, वो बटन दबे, चार तो अज थोड़े कोल ही दबते बटन। ये तां संभव ने जे तुसी एक साल पहला बटन दबिया सी। इस गल लई मैं थोनू बधाई दिना कि पंजाब तरक्की दे राह ते चल पिया है। एक साल दे विच ही तुहाडे सहयोग नाल गड्डी ली ते चढ़ गई है। बजट साडा बहुत वधिया सी, बजट दे विच कोई टैक्स नहीं लाया गया नवा, और बजट दे विच असी पैसे धारे जिहड़े पैसे उन्होंने फड़े हुए सी पहलां आलिआं ने उन्हां नूं लाउणे शुरू कर रहे हां। 16,000 करोड़ रुपया मूलधन यानी कि प्रिंसीपल अमाउंट, ते 20,000 करोड़ रुपया उहदा ब्याज, 36,000 करोड़ रुपया असी एक साल च लाहिया भी है, बजट भी पेश कीता है। बिजली भी बहुत सारे इत्थे बैठे होणगे, बिजली का बिल जीरो आउंदा है जी, आउंदा है, इदां ही आया करूगा। ये स्कूल बन रहे ने शानदार, बस्ती दानिशमंदा वाला स्कूल है, तुसी देख के आयो, जिथे मापे जदों जांदे सी सरकारी स्कूलां च वो बिल्डिंग देख के निराश हो जांदे सी कि यार इत्थे पढ़ू साडा बच्चा, इस बिल्डिंग का तो कोई पक्का नहीं पता कदों किन्ना चिर चलूगी, डिग पूगी, इत्थे च्यों ही जांदी, इत्थां मीह पै जाए तां बारिश पई जांदी है, पत्थर डिगी जांदा उत्तरों। दूजे पासे जांदे सी प्राइवेट स्कूलां च, शानदार एसी लगे हुए, शानदार कमरे, प्रोजेक्टर लगे हुए, कहें सी हाँ इत्थे पढ़ाउणा है जवाक, तो जदों फीस पुछदा सी फिर उत्थों दिल टुट जांदा सी कि मेरे को तो इन्ने पैसे है नहीं, फिर मजबूरी चो सरकारी स्कूल तक वापस आउंदा सी। हुण ये मजबूरी जिहड़ी है वह मजबूरी नहीं असी रहण देनी, सरकारी स्कूलां दे विच ऐसियां फैसिलिटियां, इहोजियां सहूलतां, इहोजे शानदार स्कूल बनावांगे कि तुहानू ऑप्शन होगी, तुहाडे कोले मर्जी होगी, बच्चे नू प्राइवेट च पढ़ाउणा है प्राइवेट पढ़ा लिओ, सरकारी च पढ़ाउणा है सरकारी च पढ़ा लिओ, पढ़ाई दोनों की इको जी होगी, उधर फीस लगू, इधर फीस भी नहीं लगनी, ये भी तुहाडे कोले मर्जी हो। जिवें दिल्ली च कीता जी, दूर ना जाओ जी, दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है इत्थों। जिस वेले अरविंद केजरीवाल जी ने सहु चुकी 2015 च, 90% जिहड़े सरकारी स्कूल से उन्हां दी हालत खस्ता सी, तां अफसर कहिंदे जी 90% खराब ने, छड्डो परे, इन्हां नूं बंद ही कर दिंदे आ, प्राइवेट आपी चलाई जाणगे। मनीष सिसोदिया जी नाल सी तां उस जोड़ी ने, अरविंद केजरीवाल ते मनीष सिसोदिया दी जोड़ी ने सोचिया नहीं ठीक करने शुरू करांगे, ठीक करांगे, ठीक करन लगे प्रिंसीपलां नाल, टीचरां नाल गल्लां करके, उन्हां नूं मोटीवेट करके, अज दिल्ली दे सरकारी स्कूलां नूं देखण वास्ते वड्डे वड्डे जिहड़े देशां दे प्रधानमंत्री आउंदे ने, उन्हां दियां कोई घरवाली, कोई किसे देश दा राजदूत, उह कहिंदी मैं दिल्ली दे सरकारी स्कूल देखणे, ट्रंप दी घरवाली कहिंदी, ट्रंप दी घरवाली कहिंदी मैं सरकारी स्कूल देखणे आ दिल्ली दे। बहुत मनाया मोदी ने कि ना इदां ना कर, पर वो जिद्दण सी, वो कहिंदी मैं देखणे ही देखणे आ। हुण इन्हां नूं पता सी मोदी होरां नूं वी साडे वाले तां दिखाउण दे लायक है नहीं, जिहड़े MCD कोले स्कूल ने ना हुण आए ने साडे कोले, MCD करके, MCD दे विच चोणां जित्तण दा इक कारण इह वी है कि लोग कहिंदे जिवें दिल्ली सरकार वाले स्कूल बन गए, MCD वाले भी हुण ठीक हो जाणगे, और करांगे भी असीं, फिर स्कूल तां साडे तों खलवाउणा पिया ना, केजरीवाल तो चाबियां लैणियां पईआं, इक स्कूल खोल दो, जिद करी बैठी है, मुल्क दी इज्जत दा सवाल है, असीं क्या कोई गल नहीं खोल दिंदे, रल मिल के चलना पऊगा जी। देश दा मामला इत्थे राजनीतियां छड्ड दईए आपां, स्कूल इन्ने शानदार हो गए, गरीबां दे बच्चे पढ़दे है, अफसर बनन लग गए, इक्को बेंच ते गरीब दा बच्चा
मजदूर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, रेहड़ी वाले का बच्चा, जज का बच्चा इको स्कूल दे विच इको बेंच ते बह के इको किताब पढ़ लाते केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने। नहीं तो सिलेबस ही होर हुंदा सी जी, गरीबां दा सिलेबस होर, अमीरां दा सिलेबस होर, गरीबां दे टीचर होर, अमीरां दे टीचर होर। वो पाड़ा जिहड़ा है वह खत्म करता। पंजाब च वी इदां ही करांगे, बिजली दे बिल चों बच के पैसे, स्कूल शानदार हो जाएंगे, सरकारी स्कूल च मुफ्त दे विच विद्या मिलेगी, उच्च पद्धरी विद्या मिलेगी बच्चों। आम आदमी पार्टी क्लीनिक जिहड़ी है क्लीनिकां नूं लगी हुई है, आम आदमी क्लीनिक खुले जा रहे ने। थोड़े घर के सज्जे पासे 100 मीटर 50 मीटर या घर के खब्बे पासे एक आम आदमी क्लीनिक थोनू मिलेगा, जिथों तुसी दवाई लैके बिल्कुल फ्री दवाई लैके ठीक हो सकते हो। कोई टैसट कराने 40-42 किस्म के टैसट ने, हुण तक 15 लाख के लगभग लोग, 503 चल रहे ने इस वक्त, 503 आम आदमी क्लीनिकां चों 15 लाख के लगभग लोग जिहड़े दवाई लैके ठीक हो चुके ने, ते 2.25 लाख के करीब लोगों ने टैसट कराए ने, वह भी फ्री ने सारे, चाहे ब्लड का टैसट है जिन्ना मर्जी पैसा लग जाए तुहानू कोई पैसा नहीं देना पैना। इहदा मतलब यह हो गया कि 17 लाख बंदा सरकारी हस्पतालां च जां प्राइवेट हस्पतालां च लाइनां च जाके नहीं लग्या, उहदा इलाज उत्थे हो गया, नाले पैसा नहीं लग्या। यह है, यह साडा प्लैन है। फिर सड़कां बनाउण लगे हुए हैं, जलंधर नूं चमका देंगे। तुसीं देखियो MCD आ गई साडे कोले हुण दिल्ली वाली, असीं कूड़े दे पहाड़ नाल मत्था ला लिया, जिहड़े दिल्ली च कूड़े दे पहाड़ सी ना उहनां नाल मत्था ला लिया, वह पहाड़ां नूं चक्कण लग्गिया, साफ करन लग्गिया। बड़ी जल्दी दिल्ली जिहड़ी है कूड़े दे पहाड़ां तों मुक्त हो जाऊ। जलंधर तां कोई साडे लई कोई खास गल नहीं, जलंधर शहर नूं नमूने दा शहर बनावांगे, जलंधर शहर नूं इक चमका देंगे शीशे वांगू। जलंधर शहर नूं डिपार्टमेंट मेरे कोल ही है हुण, सो जिथे जलंधर शहर दे विच कोई सीवरेज की प्रॉब्लम है, कोई बिजली स्ट्रीट लाइटां की प्रॉब्लम है, कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, असी जलंधर लुधियाना पटियाला बठिंडा अमृतसर जिन्हें भी साढ़े शहर ने, मोहाली आनंदपुर साहब रोपड़ जिन्हें भी शहर ने, उन्होंने चमकावांगे। ये साडा टीचा है आने वाला। फिर रोजगार वाले पासे आए असी, इस वक्त मैं तुहाडे सामने 26,797 सरकारी नियुक्ति पत्र मुंडे कुड़ियां नूं दे के तुहाडे सामने खड़ा मैं, 26,797 एक साल च, 28,000 दे लगभग कच्चे मुलाजमान पक्के, आने वाले दिनों 8,000 रह गए ने उन्होंने भी करना है, क्योंकि कुछ लीगल अड़चणा ने, हाई कोर्टां दियां कोई अड़चणा ने, वो दूर कर लिए, उस तो बाद उन्होंने भी लेना है। किसे नूं असी जिहदी कोई ट्रेनिंग ली हुई है पर वह कच्चा मुलाजम है, एक कच्चा लफज खत्म कर देना पंजाब च, उन्हों रेगुलाइज करांगे, उन्होंने भी उन्नी तनखा मिलेगी जिनी सरकारियां नूं मिलती है। मैं पता है, मैं बहुत सारे सिक्ख्या प्रोवाइडर्स मिलते हैं, मैं होर कच्चे मुलाजम मिलते हैं, वो रोन लग जाए कुड़ियाँ कि वीरे 6,000 रुपये तनखा च किवें गुजारा करिए, 7,000 रुपये तनखा च किवें गुजारा करिए, 8,000 रुपये तनखा च किवें गुजारा करिए। असी मैं उन्होंने यही कहना कि तुम रोना नहीं, हुण हुण तुहाडे हंझू पूंजन वाली सरकार आ गई, हुण तुहाडे हंझू आउण ही नहीं देने, असी उन्होंने रेगुलाइज करांगे, उन्होंने भी 25-25, 30-30, 35-35 हज़ार रुपये तनखा मिलेगी ताकि गुजारा चल सके अज के महंगाई के जमाने। कुदरती मार पई है, कल परसों बहुत बेमौसमी बरसात हुई, गड़े पे, फाजिलका वल तां एक बहुत वड्डा बाब रोला आया जिन्हों टर्नेडो कहिंदे आ, उन्हें घर दियां छत्तां चक चक दूर मारिया, किन्नुआं दे बाग ने बागां दे बूटे पट पट किलो किलोमीटर ते सुटते, बहुत नुकसान होया। कल मैं गया सी, कल मैं निहाल सिंह वाले दे पिंडां च गया, मैं मुक्तसर साहब दे पिंडां च गया, मैं भगता भाईका दे रामपुरा फूल दे पिंडां च गया, पटियाले दे पिंडां च गया,
बहुत फसलां तबाह हो गई, इधर थोड़ा जिहा दुआबे वल बचा है, उधर तो 100% दे नेड़े तेड़े नुकसान हो गए बहुते पिंडां च। तां असीं जिहड़ी पुरानी चलदी सी इहनां दी स्कीम कि 75% तो 100% तक जे खराब हो जाए 12,000 रुपया देवांगे एक एकड़ का, देवांगे कहिंदे सी, दित्ता नहीं कदे। 54-54 रुपया के चैक भी आए हुए ने, जखमां ते लूण भुगदे आ इह। 112 रुपया का चैक दिखाया मैनू कल एक बंदे ने, 112 रुपया का चैक, वह कहिंदा जी इतों बाद खाता खिलाउण ती लग जाणगे, ये मजाक करदे रहे साडे नाल। असी फैसला किया एक हफ्ते दे विच 10 दिन दे विच गुरदौरी हो जूगी 15,000 रुपया एक एकड़ का, 75 तो 100% जी खराबा हो गया 10-15 दिनों के विसाखी तो पहला पहला उन्होंने खाते च पै जाऊगा जी, क्योंकि मलम उदों चंगी लगती है जदों जखम अल्ला होवे, जदों जखम च कीड़े पै जाण उस मलम तो ही चक्की फिरो की फायदा रह गया। और गुरदौरी करन दे भी तरीके ये गल्लां उन्होंने नहीं पता, महिला वालों नूं सुन लैण कि क्यों तुहानूं लोकां ने बाहर कढ़िया राजनीति चों, गुरदौरी करन दे भी तरीके सोधे ने। सारे डीसीज़ नूं ऑर्डर किए ने कि जदों गुरदौरी करन वास्ते कोई पटवारी कोई तहसीलदार जां कोई होर अफसर जाऊगा पिंड दे विच इक दिन पहलां रेडियो च अनाउंसमेंट होगी, वह पिंड की किसी सांझी थां ते बैठूगा, उत्थों पिंड दे लोक उन्हूं लैके जाणगे खेतां च, वह लिखूगा वीडियो बनूगी, पटवारी जां तहसीलदार किसी खास बंदे दे घरें बह के पिंड दे विच उत्थे गुरदौरी नहीं कर सकते, क्योंकि पहला की करते सी इन्हां दे खास दे घरें बह जांदे सी, वह आपदी 100% ही लिखा लैंदा सी आपदे चहेतियां दी 100%, नाले फसल का नुकसान नहीं होया हुंदा सी, नाले तो फसल लै लैंदा नाले मुआवजा लै लैंदा जिहड़े असली सी ओह रह जांदे सी। एक होर किया पिंड दे लोक इहदे सहयोग करन, जमीन मैं ठेके ते लई हुई है 10 एकड़ गड़े पै गए, मैं ठेके ते जमीन लई सी 65,000 नूं किला, गड़े पै गए फसल खराब हो गई। सरकारां की करदियां रहियां पहलां, IAS अफसर ब्यूरोक्रेसी साडी उन्हां नूं ऑर्डर आउंदे भी खराबे दे इन्ने पैसे देने ने, उन्हें चक के कागज पढ़ने भी आ कागज आए कहिंदे ने चलो जी AC कमरे च बैठे ऑर्डर चाड़ दो, जे फार्म लै लो जी ते रजिस्ट्रियां लै लो जी पैसे पा दो जी। कई जगह ते जिहड़े जमीनां दे मालक ने उन्होंने जमीन ठेके ते दित्ती हुई है, पैसे उधरों भी लै ले जिन्हें ठेके ते लई सी, मुआवजा भी पै गया, मुआवजा भी रख लिया कोल ही। सो असी इस बार की करना है, असी मेक श्योर ये करना है काश्तकार नूं मुआवजा मिलेगा, गड़े पैण वाले दिन जिहड़ा बंदा उस फसल ते खेती करदा सी उहनूं मुआवजा मिलेगा जी, कोई किसी उहदे मालक नूं जां कोई जिहदे नाल ते रजिस्ट्री है उहनूं नहीं मिलेगा। और इहदे नाल कोई कोई चुबारे नहीं छत्ते जांदे, जे तुसीं ठेके ते जमीन देण दे काबल बनाते रब ने तां थोड़ा बहुत दूजिआं दा वी हक जिहड़ा उहदा ना मारिओ। फिर तीजे नंबर ते जिहड़ी वड्डी असी, क्योंकि सानू पता है इस गल दा, असी आम पिंडां चों आए हां, कोऑपरेट बैंकां दीआं लिमिटां बनाईआं होईआं ने, उहदी किश्त आउण वाली आ, हुण किश्त भरनी सी कणक वेच के, कणक मारी गई हुण की करांगे। सो असी सरकार वल्लों उहनां लई इह शोर्टी दित्ती है कि इस किश्त नूं असी फ्रीज कर दांगे, आ किश्त जिहड़ी है वह भरन की लोड़ नहीं, जदों कबीलदारी ली ते आ गई उस तों बाद चला लांगे, ब्याज कोई नहीं लगेगा, किश्त जिहड़ी है फ्रीज हो जूगी, अगे जाके जदों कोई फसल वधिया होई ते सरदा पुजदा होया उदों उहदे बारे नोट कर लांगे, उदों उहदे बारे गल कर लांगे। सो कोऑपरेट बैंकां दी जिहड़ी लिमिट की किश्त आ वह भी फ्रीज कर दी जाऊगी। ये होंदियां ने सरकारां जी, सरकारां दा काम हुंदा लोकां नूं संकट दे वेले उन्हां दी बांह फड़ना, ना कि उन्हां दी बांह मरोड़ना। आ हुण आपां दुध दा काम है, वेरका नूं पंजाब दा सब तो वड्डा कमाऊ पुत बनाउणा है, और वेरका नाल किन्ने किसान जुड़े हुए ने, मैं कल भी यही गल कही है
जे किसान नू आपां नाल नाल कोई होर काम दे दिए ना उहदे मुंडे नू उहदी धी नू जां नौकरी मिल जाए जां फिर कोई हर रोज की कोई इनकम आउण लग जाए जां फिर कोई महीने बाद कोई ना कोई इहो जी इनकम आवे कि उह 100% खेती ते डिपेंडेंट ना रहे। साडे घर की उदाहरण दे दिंदा मैं, साडा जिहड़ा खेत है उहदा नाम है ढाबा वाला खेत, ढाब कहिंदे आ, ढाब किहनूं कहिंदे जिथे पानी इकट्ठा हुंदा है। साडा खेत भी अक्सर मर जांदा सी, साडे पानी आउंदा सी बीर खुरद ते सतौज दे विचाले, उह पिंड ढाब है उत्थे साडी जमीन है, मर जांदी सी जदों बेमौसमा मीह पैंदा सी। असीं छोटे छोटे हुंदे सीगे तां सानूं पता लगदा सी कि अज घरे रोटी नहीं पकनी, ते घरे रोटी नहीं पकदी हुंदी सी। सो असीं क्योंकि मेरे डैडी सरकारी मास्टर लगे हुए सी इस करके तनखाह आउंदी सी महीने बाद, तां करके कबीलदारी ली तो नहीं लही। हुण की है किसान जिहड़े 100% खेती ते डिपेंडेंट ने, पुत्तां वांगू फसल पाल ली, अद्धे घंटे के बेमौसमे गड़िया ने सारी कबीलदारी ली तो ला के रखती। असी कोई उन्हूं सहायक धंधा देना चाहते हाँ, खेती तो बाद किसान लई करन वाला सब तो वधिया काम है डेयरी दुध का काम। और दुध के काम के पहला ओच बीका पले सी, नकली दुध बनी जाता, हजे भी मैं कहना नहीं सारा हट गया, असी लगे हुए हैं रोज छापे मारते हैं, बेरका नूं असी तकड़ा करांगे। अज इत्थे 84 करोड़ रुपए की मदद नाल प्रोसैसिंग होण दा जिहड़ा प्लांट लगेगा, 1.25 लाख लीटर दुध इत्थे आऊगा, उहदे चों 50,000 मीट्रिक टन जिहड़ा उहदा तां दही बन जूगा, बाकी रह गया 75,000। 75,000 की दही नूं डबल कर लो लस्सी बन जूगी। सो आऊगा 1.25 लाख, निकलूगा 2.25 लाख, 1.5 लाख मीट्रिक टन जिहड़े लस्सी दे ते 75,000 दे नेड़े तेड़े, 50,000 दे नेड़े तेड़े ए जिहड़ा दही बनूगा ते पैक होके जाऊगा सारे पंजाब च, हिमाचल च, दिल्ली दे विच भी। असी बेरका दा ऑफिस खोलन लगे हां, दिल्ली च बहुत लोग जिहड़े ने बेरका नूं प्यार करदे ने, बेरका दी दही, बेरका दी खीर, बेरका दा पनीर, बेरका दीआं पिन्नियां, काओ की गऊ दे दुध दा घिओ वह भी असी इंट्रोड्यूस करता, बाहरले मुल्कां च भी लोग बेरका पसंद करते, असी उन्हां नाल भी गलबात कर रहे हां। सो बेरका जिहड़ा वो किसान लई एक बहुत वड्डा साधन बन जूगा अलग कमाई दा। और असी कंपीटीशन साडा वड्डियां मल्टीनेशनल कंपनियां नाल है, पर असी साडी जिहड़ी टीम है बहुत वधिया, प्रशासन साडा, साडे अधिकारी बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, मैं उन्होंने बधाई दिना। इदू पहला असी लुधियाने 100 करोड़ का, उदू पहला असी फिरोजपुर, हुणे तीजा इत्थे आ, अगला अमृतसर लाउणा है। सो दुध की पैदावार जिहड़ी है इस तरह की दुध नूं प्रोसैस करके असी करांगे कि साडा जिहड़ा पंजाब दा बणिया, आपां तां वैसे दुध दहीआं नाल पले होए कहे जांदे आ। सो वह प्लांट जिहड़ा है अपना जिहड़ा दुध है वह मन्निआ परमन्निआ दुध मन्निआ गया अपना, तो इस करके पंजाब दे दुध नूं असी पूरे देश च ते विदेशां च पहुंचावांगे। इहदे नाल नाल लगदे जिहड़े मिल्क यूनियन जलंधर दे नाल कपूरथले वाले नवां शहर भाई अपना शहीद भगत सिंह नगर, तो उन्हां सारे आले दुआले दे जिहड़े उत्पादक ने उन्हां नूं फायदा होगा। सो मैं इक्को ही गल कहना कि तरक्की जिहड़ी है वह सच्चियां नीतां होण तां होगी, रोज़गार आऊगा। जलंधर दे विच स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, उहदे वास्ते भी असी स्पोर्ट्स ते सर्जिकल गुड्स का जिहड़ा कंपलैक्स है ते लैदर कंपलैक्स है उहनूं अपग्रेड करके LED लाइटां लाउण तों इलावा लैदर कंपलैक्स 9.25 किलोमीटर दीआं सड़कां ने उहनां नूं भी अपग्रेड करांगे। 7 करोड़ का यह प्रोजैक्ट साडे प्रोसैस दे अधीन है। और साडा जिहड़ा तरीका है काम करन दा वो थोड़ा जिहा अलग है दूजे नालों, असी चाहुंदे आ कि काम शुरू हो जदों हो जाए उदों उहदा उद्घाटन किया जाए, नहीं तो नीह पत्थर बहुत गड्ढे पए ने पंजाब च, नीह पत्थर
कल्ले नीह पत्थर ही रह गए, बने ही नहीं कुछ। जे कल्ले नीह पत्थर दियां इट्टां भी आपां वरत लईए, दो तीन कालेज तां उहदे नाल बन जाणगे, जिहड़े अईं पए ने संभाले ही नहीं किसे ने, गल एक बारी कट के चले गए, मुड़ के किसे ने नहीं पुछिया। सो काम नहीं होए, हुण काम होणगे, पूरा पंजाब जिहड़ा वह तरक्की दे राह वल तोरांगे, यही साडा मकसद है, यही साडा टीचा है। अरविंद केजरीवाल जी ने नवीं किस्म की राजनीति जिहड़ी है देश नूं दित्ती है। आ मीडिया वाले वीर बैठे ने, मैं इन्हां नूं भी दसना चाहुंना, तुहानूं भी दसना चाहुंना, पहला किसे पार्टी ने आपदे मैनीफेस्टो जो स्कूल जां हस्पताल लिखे सी, पहला कोई पार्टी आ जिहड़ियां वड्डियां पार्टियां ने पहला आपदे मैनीफेस्टो जो बिजली की गल जां महिलावां नूं कोई रोजगार की गल जां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यापार की गल करते होंदे सी ना। इन्हां नूं पता होंदा सी लोकां ने जाना कित्थे है, साडी वारी आऊगी हुण, साडी बनदी है, और लोग पा भी देंदे सी वोट, लोगों को कोई ऑप्शन है नहीं सी। हुण अरविंद केजरीवाल जी ने जिस जो राजनीति शुरू की है साडे नैशनल कन्वीनर ने, हुण बीजेपी भी कांग्रेस भी आपदे मैनीफेस्टो च लिखते हैं ना, 300 यूनिट फ्री देवांगे, स्कूल ठीक करांगे, हस्पताल बनावांगे, आ गए ना याद ये मुद्दे। पहला कहिंदे सी एवें मर जांदे, इन्ना विकास के नाते वोट नहीं पैंदी हुंदी, नफरत के नाते, धर्म के नाते, जात के नाते वोटां लैंदे सी। सो मैं तो यही कहूँगा, पार्लीमेंट च एक बारी एक बहस चल रही सी, मैं उत्थे बैठा सी बतौर संगरूर तो MP, बड़े वड्डे वड्डे भाषण दिते जा रहे सी, पौने पौने घंटे दे घंटे घंटे दे, आ समाज आए, आ बरादरी आए, इन्हां नूं असीं आए कर दांगे, इहनूं आए कर दांगे। मैं कहा जी मैनू टाइम दिओ, कहिंदे ना जी वड्डियां पार्टियां बोल हटियां, बस हुण बिल पास करना है। मैं कहा जी पार्टी भावें छोटी है पर असीं हैगे तां हैगे ना लोकसभा च, घट टाइम दे दो। कहिंदे नहीं टाइम नहीं है। मैं कहा जी 30 सैकेंड दे दो। स्पीकर साहब थोड़ा जिहा सुनन लग गए, 30 सैकेंड? हाँ जी मैं 30 सैकेंड में क्या बोलोगे? मैं कहा जी बहुत है, तुसीं मेरे 30 इन्हां 3 घंटे इक्को ही गल है। कहिंदे चलो बोलो फिर, चल 30 सैकेंड, आपका समय शुरू होता है अब। मैं बोलिया, मैं कहा जी बहुत बड़े बड़े भाषण दिते गए, आ समाज आए, आ समाज आए। मैं तो इन्नी गल कहूंगा, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बस 30 भी नहीं हुए, देखो स्पीकर मैनू कहना हजे तक 16 हुए ने, मैं कहा 14 रख लो जी, कदे फेर दे दियो मैनू। जे बोलना होवे ना दिलों तो 14 सैकेंट 15 सैकेंट भी बहुत ने, जदों तीर कट के मारने सीधा निशाने ते एवें करन दा की फायदा। मैं तो सीधे ही कहना हुंदा सी बहुत बहुत धन्नवाद जी सीधा काम ते, नहीं तो बीजेपी वाले बोलते होंगे सी सब तो पहला मैं धन्नवाद करदा स्पीकर साहब तुहाडा, उस तो बाद मैं बहुत बहुत धन्नवाद दियां नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी बैठे ने, राजनाथ जी बैठे ने, इन्हों ने जो आता इन्हें तो टाइम खत्म हो जाता सी। सीधा काम की गल शुरू करो, गहो जी आ चाहिए आ नहीं चाहिए, सरकार कहदे वास्ते, लोग भी इन्ने वेले नहीं है। सो इस करके जिन्ना प्यार तुसी मैनू दे रहे हो वो तो मैं बहुत हौसला मिलता है, मैं बहुत ये अपने आप को लगता है कि भगवंत माना लोगों ने यकीन किया तेरे ते, यकीन ना तोड़ी ते विश्वास जिहड़ा किया विश्वास ना तोड़ी, ते एदू वधिया पुन्न का काम, एदू वधिया लोगों की सेवा का मौका जिहड़ा कदे जिंदगी च मिलना नहीं, रब कदे कदे किसी किसी मतलब बंदे तो इहो जिहे काम लैंदा है। वो कहिंदे है कि रल मिल सहियां पानी नूं गईयां कोई कोई मुड़पी भर के, रल मिल सहियां पानी नूं गईयां कोई कोई मुड़पी भर के, जिन्ना भर के सिर ते धरिया वो पैर धरन डर डर के। मतलब वो खूह वाला पानी नहीं, शायर ये कहिंदा है कि परमात्मा जिम्मेवारी वाला घड़ा हरेक का नहीं भरदा, किसे किसे दा भरदा है, ते जिहदा घड़ा जिम्मेवारी वाला भर के जिन्हें सिर ते रख लिया उन्हूं बोझ बोझ के कदम धरने पैंदे ने, क्योंकि पैर पैर ते उन्हूं जिहड़ा धक्के पैंदे है। मैं अन्ना ते तिलकण रस्ता देवे कौन संभाला, मैं अन्ना ते तिलकण रस्ता देवे कौन संभाला, मैं अन्ना
ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਾ ਧੱਕੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੋ ਆਪਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਸ ਲੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ।